सो गाइस कैसे आप सब, आपके सामने खड़ी है 2024 की बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल VW की टैगून जो कि अपडेटेड वर्जन है। क्या फीचर्स ऑफर करती है VW, क्या इसमें अपडेट किया गया है, कितनी पैसिंग रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो थ्रू हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कार को बाय करने वाले हैं या लेने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक मिलेगा, वीडियो के लास्ट तक इस कार से जुड़ी सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके की से। तो इस तरह से आपको इसमें की मिल जाती है, लॉक अनलॉक, यहाँ पर ट्रंक ओपन करने का आपको यहाँ पर की मिल जाती है और रियर साइड में आपके यहाँ पर VW की ब्रांडिंग मिली है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर की मिल जाती है। और शुरुआत करेंगे इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस कार का जो फ्रंट प्रोफाइल है कुछ इस तरह निकल आती है जो काफ़ी बढ़िया लगी देखने में। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो VW इसमें आपको क्या फीचर्स ऑफर करती है, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो फीचर्स मिलती है, जैसे आपको ABS AVD मिल जाती है, 6 एयरबैग कंपनी ने इसमें ऑफर किया है जो काफ़ी बढ़िया बात है। सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा फीचर आपको मिल जाते हैं, 6 एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाती है और इसमें आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और इसकी प्राइसिंग आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, इसकी जो प्राइसिंग है लगभग आपको 16 लाख में यह कार अवेलेबल हो जाएगी। जो मैंने ये प्राइस बताया है वाराणसी का प्राइस है, और भी प्राइस जानकारी के लिए आप VW शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो 16 लाख में बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको ऑफर होती है, आपको अच्छा खासा इसमें इंजन मिल जाती है, रिफाइनमेंट आपको अच्छे खासी मिलेगी और अदर कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि VW ऑफर करते हैं इंजन काफ़ी रिफाइनमेंट आपको यहाँ पे इंजन मिल जाती है। जो माइलेज आपको लगभग देगी, लगभग आपको 19 KPL के आपको इसमें माइलेज मिल जाएगी जो काफ़ी बढ़िया बात है। अब बात करेंगे इसके वेरियंट और कलर के बारे में। तो यह कार जो ऑफर होती है 32 वेरियंट में आती है और 8 कलर ऑप्शन में यह कार अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफ़ी अच्छी लगती देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगी देखने में। शुरुआत करते हैं इसके बोनट पे। तो आपके यहाँ पे बोनट्स में प्रॉपर कट्स एंड क्रीजेज आपको देखने को मिल जाती है जो इस गाड़ी को प्रॉपर एरोडायनामिक बनाती है। यहाँ पे इस तरह से विंडशील्ड पे आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाती है। तो फ्रंट से काफ़ी कूल लग रही देखने में इस कलर में, और सेंटर में आपको यहाँ पर VW की ब्रांडिंग मिलती है। जैसा कि इसमें आपको डी क्रोम यह मॉडल है, इसमें आपको क्रोम का यूज़ बहुत कम देखने को मिल जाता है, आपको इसमें ब्लैक थीम देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो अपर ग्रिल जो आपको मिली है, यहाँ पे हल्का सा पियानो ब्लैक मिलती है, स्मोक ब्लैक दिया गया है, और लोअर ग्रिल आपको जो मिलती है यहाँ पर स्मोक ब्लैक कलर मिलती है। इसके साथ आपके यहाँ पे ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पर मिलती है, पियानो ब्लैक कलर आपके यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट में आपको कोई पार्किंग सेंसर इसमें ऑफर नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिलता है, कम्प्लीटली आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलती है, ट्विन LED प्रोजेक्टर हेडलाइट दिया गया है, LED डैश मिलती है, टर्न सिग्नल आपको LED मिल जाती है। इस तरह से इसकी जो हेडलाइट यूनिट मिलती है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और नीचे साइड में आपको यहाँ पर जो प्लेसमेंट मिलती है फॉगलाइट की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है, LED फॉगलाइट यहाँ पर नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो फॉगलाइट ऑफर होती है बल्ब वाले हैलोजन सेटअप साथ आपके यहाँ पर फॉगलाइट ऑफर होती है। और इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसकी साइड प्रोफाइल निकल के आती है, आपको कट्स एंड क्रीजेज आपको इस गाड़ी में काफ़ी देखने को मिल जाती है जो काफ़ी कूल लगती है देखने में। व्हील की तरफ आए तो गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो व्हील ऑफर होती है 70 इंचेस का आपको एलॉय व्हील ऑफर होती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर होती है, और टायर सेक्शन आपको जो मिलता है 205/55 R 70 इंचेस का आपको यहाँ पर टायर फॉइल लगी मिलती है जो काफ़ी वाइडर टायर आपको यहाँ पर ऑफर होते हैं। इस गाड़ी में ब्लैक कलर की यहाँ पे क्लडिंग मिल जाती है, और इस तरह से देखें तो प्रॉपर कट्स एंड क्रीजेज आपको मिल जाती है। डोर हैंडल में आपको यहाँ पे हल्का सा क्रोम टच यहाँ पे दिया गया है, जो 4 डोर हैंडल मिलता है क्रोम टच के साथ आपको यहाँ पर मिलते हैं। 50 लीटर की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका जो रियर से लुक है कुछ इससे निकल कर थी, ये कार काफ़ी बढ़िया लगी देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगी देखने में। ऊपर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर साफिया इंडिया रूफ रेल्स आपको मिलती है ब्लैक में दिया गया है, हाई स्टेप लाइट आपको जो मिलती है यहाँ पर LED का आपको मिलती है, और रियर विंडशील्ड पे आपके यहाँ पे डिफॉगर मिलती है, रियर वाइपर दिया गया है। और गाइस, यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपको जो टेललाइट आपको मिलती है कनेक्टिंग टेललाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है देखने में, काफ़ी शानदार लुक लगता है रियर से भी देखने में। पियानो ब्लैक आपको मिलती है, और यहाँ पर सेंटर में VW की ब्रांडिंग मिली है, रियर में आपको यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा आपको मिलती है, नंबर प्लेट लगाने की टैगून की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है, TSI की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिलती है, और रियर में आपको जो पार्किंग सेंसर मिलता है 3 पार्किंग सेंसर रियर में आपको मिल जाती है। और यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे तो आपके यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर मिलती है, यहाँ पे आप डार्क रूम ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है, रिफ्रेटर आपके यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल जाती है, और रियर विंडशील्ड पे आप देखें तो आपके यहाँ पे डिफॉगर रियर वाइपर ऐसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइस, कमेंट करके बताएं कि आपको इसका रियर प्रोफाइल कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो टोटल लेंथ आपको मिलता है
2221 का आपको लेंथ मिल जाती है। विड्थ की अगर बात करें तो इसकी जो विड्थ मिलती है 1760 का विड्थ दिया गया है। हाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हाइट मिलती है इस गाड़ी की 1612 का आपको हाइट मिल जाती है। व्हील बेस आपको मिलती है 2691 के, इसमें व्हील बेस आपको मिल जाती है। और ग्राउंड केस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड केस मिलती है 188 का आपको ग्राउंड केस मिल जाती है, जो काफ़ी बड़ी बात है। अच्छा खासा इसमें आपको ग्राउंड केस मिल जाती है। सो गाइस ये हो गया इसके एक्सटीरियर की बात। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ड्राइवर साइड डोर के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर ब्लैक फिनिशिंग आपको मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पियानो ब्लैक कलर मिलती है। लॉक अनलॉक का आपको फीचर मिल जाती है। इनसाइड डोर हैंडल मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग साथ दिया गया है। और यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलता है वो आरपीएम कंट्रोल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे हल्का से आपको सॉफ्ट टच देखने मिलते हैं। बटन होल्डर की प्लेसमेंट, यहाँ पे स्पीकर सिस्टम की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। ओवरऑल आपको देखेंगे तो इसमें जो आपको डोर मिलती है ब्लैक थीम आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टैगून की आपको ब्रांडिंग मिलती है। और इस तरह से इसकी सीट आपको मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट मिलती है। हेडरेस्ट आपको मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। ड्राइवर और को ड्राइवर के रियर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। अच्छी खासी कंफर्ट आपको मिलने वाली है। सीट हाइट एडजस्टेबल आपको यहाँ पर मिल जाती है, मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलती है। हेडलाइट कंट्रोल्स और हेडलाइट लेवलाइजर आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो गाइस अब बात करें इसके इंटीरियर के बारे में। तो VW का जो इंटीरियर मिलता है काफ़ी प्रीमियम यह गाड़ी लगती है, काफ़ी लग्जरी फील होता है आपको यहाँ पर देखने में। तो यहाँ पर आप देखें तो पियानो ब्लैक कलर आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको इस तरह से टेक्सचर आपको मिलती है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल जाती है, जो कि रेड कलर में आप दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। और जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है 10.09 इंचेस का आपको यहाँ पर इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन ऑन ऑफ, ऑडियो कनेक्ट, प्रोफाइल लाइट, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। सिस्टम में आएंगे कार मीडिया कंट्रोल्स आपको मिल जाती है। तो यह जो सपोर्ट करती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करती है, जो काफ़ी बढ़िया आपको रिस्पांस मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक कलर मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इम्बेड लाइटिंग की आपको सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मीडिया कार सिस्टम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। आईपी की बात करते हैं, इसमें आपको जो आईपी मिलती है यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिजिटल प्लस एनालॉग आपको कॉम्बिनेशन मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको टैकोमीटर मिल जाती है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है आपको यहाँ मिल जाएगा, बीच में आपको डिजिटल मीटर मिलती है, और इस साइड में आप देखेंगे तो आपको स्पीडोमीटर मिल जाती है, और यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाती है। डिजिटल मीटर में आपको रेंज आपको कितना मिली है, TPMS सिस्टम और भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, ऑडियो फोल्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो यहाँ से आप टॉगल करके देख सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील्स की बात करें तो गाइस इसमें आपको जो स्टीयरिंग व्हील्स मिलती है टैगोन में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको मिल जाती है, तो अपने गाड़ी इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाती है। इस साइड में आपको हेडलाइट कंट्रोल आपको मिलते हैं, यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको बटन मिलता है जिससे आप कोई इन्फॉर्मेशन और डिस्प्ले में देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो काफ़ी प्यारी आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। सेंटर में आपको VW की ब्रांडिंग, यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे आपको आईपी कंट्रोल्स मिल रही है, और यहाँ पे आपको एयरबैग की ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग आपको मिली है। और जो एसी मिलता है इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर्स आपको मिल जाती है, हेजार्ड लाइट का फंक्शन दिया गया है, एसी कंट्रोल आपको इससे मिलती है। काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे फील होने वाला है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का फीचर्स आपको मिल जाती है, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिली है, 12 वाट के चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसा कि यह मैनुअल ट्रांसमिशन साथ है, तो 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको मिलती है, इससे आपको यहाँ पे नॉक मिल जाती है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाती है और आमडेज भी मिल रहा है। यहाँ पे आपको स्टोरेज भी अच्छा खासा मिल जाती है, ग्लव बॉक्स में भी आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाती है। और IRVM आपको जो मिलती है ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया है, LED लाइट आपको मिल जाती है, यहाँ पे एंटी मिरर और यहाँ पे टिकट होल्डर कुछ इस तरह की आपको मिल जाती है। तो गाइस ओवरऑल इसका जो इंटीरियर मिलता है ना काफ़ी प्रीमियम गाड़ी की रहती है, इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, क्लियर लुक के साथ ये आती है। इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छे खासे फीचर इस कार में आपको मिल जाती है। तो गाइस आपको इसका इंटीरियर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस ये हो गया इसके फर्स्ट रो की बात, अब बात करते हैं इसके सेकेंड डोर के बारे में। सो गाइस यहाँ पे आप देखें तो इसके डोर पे आपको यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल सॉफ्ट टच आपके यहाँ पर देखने मिल जाती है। बटन होल्डर की प्लेसमेंट, स्पीकर सिस्टम प्लेसमेंट, इनसाइड डोर हैंडल मिलता है, सिल्वर फिनिशिंग के साथ दिया गया है। चलिए अब चलते हैं इसके अंदर और आपको बताते हैं इसका आपको अंडर थाई सपोर्ट कैसी मिलती है और नी रूम लेग रूम आपको कैसे मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो सीट है थोड़ा सा आगे है, और लेग रूम की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर लेग रूम मिलता है भाई साहब, और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नी रूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाती है, अंडर थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल रही है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं होने वाली है। हेडरूम भी आपको अच्छा खासा इस गाड़ी में ऑफर होती है, तो ओवरऑल बात की तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट मिल जाती है। आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, 2 कप होल्डर दिया गया है, यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिले सभी पैसेंजर के लिए, और यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिली है। तो गाइस ओवरऑल इस तरह से इसकी सेकंड रो निकल के आती है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली इस गाड़ी में, काफ़ी कंफर्टेबल आपको यहाँ पे सीट मिली है, और इस तरह से इसकी इंटीरियर निकल के आती है।
तो गाइस ओवरऑल आपको यह कार कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। रियर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पे एलईडी लाइट आपको मिल रही है। सो गाइस अब बात करेंगे इसके इंजन स्पेक के बारे में, तो चलिए यहाँ से हुड को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं इसमें आपको इंजन कैसी मिलती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बोनेट मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई हीट इंसुलेशन पैड आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। इंजन की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है जो 1 लीटर इंजन के साथ यह कार आती है। तो यहाँ पर आप देखें तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर इंजन की प्लेसमेंट मिल जाती है जो इस सेगमेंट में आपको काफ़ी अच्छा खासा इसमें इंजन ऑफर करती है। VW काफ़ी रिफाइंड में आपको यहाँ पे इंजन मिल जाती है। और बात की इसके पावर के बारे में, तो इसमें आपको जो पावर मिलेगी 999 cc का 4 सिलेंडर VSC फेस्ट आपके यहाँ पे इंजन मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलती है 178 Nm का आपको टॉर्क मिलती है और जो मैक्स पावर मिलता है 113.4 bhp की आपको यहाँ पे पावर मिल जाती है। तो इस तरह से काफ़ी पावरफुल आपके यहाँ पे इंजन मिलती है, काफ़ी रिफाइंड में आपको यहाँ पे इंजन मिल रही है जो इस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इंजन मिल जाती है जो अदर कंपनी इस सेगमेंट में ऑफर नहीं करती है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 19 KMPL की आपको यहाँ पे माइलेज मिलती है, तो इस तरह से आपको इसमें इंजन मिल जाती है। सो गाइस ओवरऑल बात करें तो VW टैगोन 1 लीटर GT लाइन में आपको क्या फीचर्स मिलता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता रखा कि LED प्रोजेक्टर लाइट सिस्टम के LED दिया गया है। इंटीरियर जैसा मिलता है काफ़ी प्रीमियम आपको इसमें इंटीरियर मिल जाती है। 10.09 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है जो कि सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्लेक्स सपोर्ट मिलती है। वायरलेस चार्जिंग का आपको फीचर्स मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है आपको जो इसमें व्हील्स मिलती है 17 सेशन का आपको यहाँ पर व्हील्स मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया बात है। इस सेगमेंट में आपको इतनी बड़ी व्हील्स ऑफर नहीं होती है। और फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर आपको मिलता है इस गाड़ी में, 6 एयरबैग आपको मिल जाती है। ग्लोबल एनकैप में इसको जो रेटिंग मिली है 5 स्टार आपको इसमें रेटिंग मिली है इस गाड़ी की। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाती है इस गाड़ी की जो इस सेगमेंट में काफ़ी बढ़िया है। इंजन रिफाइनमेंट में आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो गाइस आपको यह कार कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो गाइस ये रहा VW वर्टस 1 लीटर GT लाइन का डिटेल रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इस गाड़ी में आपको क्या फीचर्स ऑफर होते हैं, एक्स्ट्रा कैसी मिलती है, एक्स्ट्रा क्या है, कितनी पैसिंग रहने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी कार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में सतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कार रिव्यू के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।